नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए एक नए वीडियो में आज जानते हैं कि डिहाइड्रेशन से कैसे मुकाबला करें, इस गर्मी में कैसे अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना हो तो आप दिन भर अपना स्वस्थ शरीर लेके काम कर सकेंगे। अगर बॉडी डिहाइड्रेट होता है तो एनर्जी फीलिंग कम आती है, काम में भी आपको मन नहीं लगेगा, ठीक से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे अगर आपको पानी की कमी रहे बॉडी में। तो आइए होम्योपैथी में आज बताएंगे आपको कि डिहाइड्रेट की क्या अच्छी ड्रिंक है। और सबसे पहले मैं बता दूं डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन क्यों होती है। जनरली हम लोगों को, एक एडल्ट आदमी को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए सारे दिन में, क्योंकि गर्मी का मौसम है, पसीना बहुत होता है, पसीने में टॉक्सिन्स तो निकलते हैं लेकिन साथ ही साथ बहुत हद तक पानी भी निकल जाता है बॉडी से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3 से 4 लीटर पानी तो लेना ही है, साथ ही साथ आपको नारियल पानी लेना है, लस्सी लेना है, शरबत वगैरह लेना है, फ्रूट जूस ले सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत नुकसान करता है। कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ के आप सब ड्रिंक लें, और खासकर होम्योपैथी में एक ड्रिंक आता है अल्फा ड्रिंक नाम का, ये मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि गर्मी में अगर बाहर जाएं तो एक बोतल पानी हर वक्त अपने साथ रखें, घर का पानी, साफ पानी, क्योंकि बाहर में आपको कहीं भी पानी मिल जाएगा लेकिन अगर अस्वच्छ पानी हो तो प्यूरिफाइड वाटर नहीं होने से वो फिर नुकसान भी करेगी। तो या तो आप पानी खरीद के पिए तो आप बेहतर है, वरना घर से ले जाएं। तो पानी एक बहुत बड़ा चीज़ है, बॉडी को वाटर बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पानी ठीक से नहीं पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद आ जाती हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन तो कॉमन चीज़ है, सबको डिहाइड्रेशन होता ही है गर्मी में, क्योंकि पानी हम लोग जितना भी पिए, पसीना होता है, गर्मी बहुत होता है, काम का प्रेशर रहता है। तो डिहाइड्रेट नहीं हो इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा देर बाद पानी पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं, शरबत लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स आप ना पिए। आप ग्लूकोज ले सकते हैं, लेकिन जिनको शुगर है वो ग्लूकोज ना लें, वो नॉर्मल पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। उसमें अगर हो सके हल्का नींबू या नींबू के साथ थोड़ा नमक दे के आप नींबू पानी पीजिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, और शुगर फ्री कोई भी ड्रिंक ना लें शुगर का पेशेंट। और नॉर्मल आदमी जिसको शुगर नहीं है, बच्चे बूढ़े सभी, नॉर्मली आप शरबत खाएं, घर का बना शरबत। अगर हो सके तो एक होम्योपैथिक अल्फा ड्रिंक आती है, इसको आप इस्तेमाल करें, घर में ही रखें, सबको पिलाएं। अल्फा ड्रिंक ये उजल कंपनी की आती है, इंडिया की ही कंपनी है उजल। होम्योपैथी में शरबत बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं बनाती है, 2-3 कंपनी की शरबत आती है, उसमें से ये एक बहुत अच्छी शरबत है उजल कंपनी का, इसका नाम है अल्फा ड्रिंक। इसका कंपोजिशन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कंपोजिशन जानना जरूरी है इस वीडियो के लिए। इसमें अल्फा अल्फा है, मदर टिंचर, ये अल्फा अल्फा टॉनिक के रूप में काम करती है होम्योपैथी में, ये एक पेटेंट दवाई है। साथ ही नेट्रामयूर है, ये सोडियम क्लोराइड से बनती है, 3x है ये। आपका जो वाटर आपका जो बॉडी में जो सोडियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपका डिहाइड्रेट होता है बॉडी, ये आपका बैलेंस मेंटेन करेगी नेट्रामयूर। ये बायोकेमिक सॉल्ट है, और साथ ही साथ ब्राह्मी है, जो बहुत अच्छा चीज़ इसमें, इस कंपोजिशन में इस कंपनी ने डाली है, ब्राह्मी मदर। ब्राह्मी मदर आपको पता ही है ब्राह्मी क्या है, ब्राह्मी एक साग होती है, ये इंडियन दवाई है। इसमें से हम लोग होम्योपैथिक मदर टिंचर हम लोग बनाते हैं। होम्योपैथिक मदर टिंचर से आप लोग ब्रेन का कोई भी, आप ये मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं मेमोरी के लिए, मन को शांत रखने के लिए, माइंड कूल रहने के लिए। तो गर्मी में क्या होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, एक ज़्यादा गर्मी अगर होता है, गर्मी के कारण हो, काम का प्रेशर हो, तो ये माइंड को कूल रखने का एक बहुत अच्छा दवाई है। आप शरबत तो बाहर से खरीदते ही हैं, मेरा सलाह रहेगा कि कोई भी आप होम्योपैथिक अच्छा फार्मेसी से आप जाके ये एक अल्फा ड्रिंक रख लें, क्योंकि रमजान का मौसम भी है अभी, तो सबको पानी का कमी रहता है, सारा दिन फास्टिंग रहते हैं लोग। तो शाम में अगर आप अल्फा ड्रिंक से शुरुआत करें और रात तक कम से कम 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें, तो वाटर जो बैलेंस दिन भर आपका मेंटेन नहीं हुआ रमजान के दिनों में, तो वे भी मेंटेन होगा। और साथ ही साथ ये बहुत टेस्टी भी है, फ्लेवर बहुत अच्छा है इसका, ये आप
घर में भी रख सकते हैं, मेहमानों को भी दे सकते हैं, बच्चे को तो बहुत ही पसंद आएगा, मीठा है। लेकिन शुगर का पेशेंट ना ले, मेरा बार बार सलाह रहेगा कि क्योंकि ये बहुत मीठा दिया हुआ है, इसीलिए शुगर का पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें, वो नॉर्मल नींबू पानी घर का बना हुआ ले सकते हैं। अल्फा ड्रिंक इसको आप रखें घर में, और पूरे थ्रू आउट सीजन आपका गर्मी का जो रहता है हम लोगों का, ये सीजन में आप इसको इस्तेमाल करें, इससे बहुत हद तक आपका मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस तरह का वीडियो मैं लाते रहूँगा, नॉलेजेबल होम्योपैथिक वीडियो। अगर आपका मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एक साथ ही साथ एक बेल आइकन का स्विच मिलेगा आपको, वो भी दबा दीजिए कि मेरे वीडियो अगर आए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।